एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मेघा एंड यू वाचिंग मेघास ब्यूटी लैंड। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल का रिव्यू। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो मेरे पास है यहाँ पर ये पतंजलि का नॉर्मल वाला एलोवेरा जेल है और ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल विथ केसर चंदन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों एलोवेरा जेल के साइज़ की। सो ये जो मेरे पास केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल है ये है 60 ml और ये जो नॉर्मल ग्रीन वाला एलोवेरा जेल है ये है 150 ml। अगर हम बात करें मार्केट में इनके साइज़ की अवेलेबिलिटी की तो दोनों ही एलोवेरा जेल दोनों ही साइज़ में आते हैं। सो इन दोनों एलोवेरा जेल के 60 ml एंड 150 ml के साइज़ आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं प्राइस एंड पैकेजिंग की। सो इस एलोवेरा जेल के 60 ml का MRP है 40 rupees एंड 150 ml का प्राइस है 90 rupees। अब हम बात कर लेते हैं इस केसर चंदन वाले एलोवेरा जेल के MRP की। सो इस एलोवेरा जेल के 60 ml का MRP है 50 rupees एंड 150 ml वाले का MRP है 110 rupees। सो अगर हम बात करें इन दोनों एलोवेरा जेल के पैकेजिंग की तो दोनों ही एलोवेरा जेल की पैकेजिंग बिल्कुल सेम है। ये दोनों ही एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट ट्यूब पैकेजिंग में आते हैं। इन दोनों ही एलोवेरा जेल में आपको ये ट्यूब पैकेजिंग मिल जाती है जिससे इन दोनों एलोवेरा जेल को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा हाइजीन हो जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी कंटेमिनेट नहीं होगा। आप ईजिली इस कैप को ओपन करके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट की, सो ये जो 60 ml वाला एलोवेरा जेल है आप इसको ईजिली अपने बैग में कैरी कर सकते हो, बट ये 150 ml वाला एलोवेरा जेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ट्रैवल के लिए। सो अगर आप इस एलोवेरा जेल को अपने बैग में कैरी करना चाहते हो तो आप 60 ml वाला एलोवेरा जेल परचेज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें इन दोनों एलोवेरा जेल के प्राइस में डिफरेंस की, सो दोनों के प्राइस में 5 to 10 rupees का ही डिफरेंस है। सो सेकेंड पॉइंट है टेक्सचर एंड एप्लीकेशन। सो इन दोनों एलोवेरा जेल का कलर भी एकदम डिफरेंट है। एज यू कैन सी, ये जो नॉर्मल वाला एलोवेरा जेल है इसका कलर है ग्रीन और केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल है ये येलो कलर में है। सो इस केसर चंदन वाले एलोवेरा जेल को मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करने वाली हूँ और इस नॉर्मल वाले एलोवेरा जेल को मैं आपको अपने राइट हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो इसका टेक्सचर भी एकदम सेम है जैसा कि इस ग्रीन वाले एलोवेरा जेल का है। सो अगर हम बात करें इन दोनों एलोवेरा जेल के टेक्सचर की तो ये दोनों ही एलोवेरा जेल थोड़े से स्टिकी हैं। सो आपको 2 से 3 मिनट तक देना पड़ेगा इनको अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए। सो अब 2 मिनट तक रब करने के बाद में ये दोनों ही एलोवेरा जेल मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गए हैं और ऐसा देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपने अपनी स्किन पर कुछ अप्लाई किया है। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ इंग्रेडिएंट लिस्ट। अगर हम बात करें इस ग्रीन वाले एलोवेरा जेल के इंग्रेडिएंट लिस्ट की, सो इसमें 90% एलोवेरा जेल है और बेस मटेरियल में इसमें यूज़ किया है विटामिन ई, कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। अब हम बात कर लेते हैं इस केसर चंदन वाले एलोवेरा जेल के इंग्रेडिएंट लिस्ट की। सो इस वाले एलोवेरा जेल में आपको 89% एलोवेरा जेल मिलता है, 0.01% इसमें केसर है एंड 0.1% इसमें चंदन है। अगर हम बात करें इसमें बेस मटेरियल की तो बेस मटेरियल इसमें सेम ही है जैसा कि इस ग्रीन वाले एलोवेरा जेल में है। सो अगर हम बात करें इन दोनों एलोवेरा जेल के यूजेस की, ये दोनों ही एलोवेरा जेल आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो बट इस वाले एलोवेरा जेल को आप अपने हेयर्स पे नहीं यूज़ कर सकते हो, बट ये जो ग्रीन वाला एलोवेरा जेल है आप इसको अपने हेयर्स और अपनी स्किन दोनों पर यूज़ कर सकते हो। इस ग्रीन वाले एलोवेरा जेल को आप अपने हेयर्स पे कैसे यूज़ कर सकते हो इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला हेयर स्ट्रेटनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। अगर हम बात करें इन दोनों एलोवेरा जेल की शेल्फ लाइफ की तो आपको इन दोनों ही एलोवेरा जेल पे 18 मंथ की शेल्फ लाइफ मिल जाती है।
आप इन एलोवेरा जेल को हमेशा कूल एंड डार्क प्लेस पे ही रखें और कभी भी इनको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें। और अगर आप इन दोनों एलोवेरा जेल को फ्रिज में रखते हो तो और भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जब भी फ्रिज से निकाल के एलोवेरा जेल को यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट भी मिल जाता है। आप इन दोनों ही एलोवेरा जेल को एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो। आप इन दोनों ही एलोवेरा जेल को रात में सोने से पहले एक पतली सी लेयर अप्लाई कर सकते हैं और अपने फेस को मसाज करके सो सकते हो। इससे आपके फेस को एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर मिलेगा। सो व्हाट इज माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दीज एलोवेरा जेल? क्या आपको ये दोनों एलोवेरा जेल परचेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सो, अगर आप एक बिगनर हो तो आप इन दोनों एलोवेरा जेल को ज़रूर ट्राई करें। ये दोनों ही एलोवेरा जेल बहुत अच्छे हैं। इन दोनों ही एलोवेरा जेल का बेस्ट पार्ट ये है कि ये दोनों ही एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं। सो, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ सो, प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हो। सो, मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, बाय।